एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली से एक तरफा प्यार में हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। इस मामले में एक मनचले ने 22 साल की लड़की को जान से मारने की कोशिश की, साथ ही उसके साथ जबरदस्ती भी की। नमस्कार, स्वागत है आपका नगरी न्यूज में, मैं गरिमा आपके साथ। देश की राजधानी दिल्ली में चलती कैब में एक मनचले लड़के ने एक तरफा प्यार में लड़की को चाकू से गोद कर उसकी हत्या करने की कोशिश की। जब लड़की पूरी तरह से लहूलुहान हो गई तो युवक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां कैब ड्राइवर ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब इस मामले में यह जानकारी सामने आई है कि लड़की के परिजन पहले भी उस मनचले के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर चुके थे, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। आपको बता दें कि लड़की के पिता नहीं है और माँ दूसरों के घर में काम कर कर परिवार का पेट पालती है। 22 साल की चंद्रिका मलिक कैब में बैठकर अपनी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, तभी लाडो सराय के पास मनचला आशिक कैब को रोककर उसमें बैठ गया। युवक कैब में चंद्रिका से जबरदस्ती करने लगा, जिसके बाद जब लड़की नहीं मानी तो उसने धारदार चाकू निकालकर उस पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। इस घटना को देख कैब ड्राइवर ने लोगों की मदद से आरोपी युवक को पकड़ लिया। इस दौरान मंचला आशिक चंद्रिका के चेहरे पर लगातार वार करता रहा, साथ ही लड़की के पेट और पीठ को भी उसने लहूलुहान कर दिया था।